सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। तो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में जो हम आपको गाड़ी दिखाने वाले हैं, वॉक में पहले दिखाई दूंगा, पीछे खड़ी हुई है गाइस, ये देखिए। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं मारुति सुजुकी की इको, क्योंकि आप में से काफ़ी भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती कि भाई इको गाड़ी का व्लॉग लाओ। तो गाइस फाइनली आज आपके लिए इको का व्लॉग हम ले आए हैं। इससे पहले आप अपने सामने पांच भाइयों के कमेंट देख रहे होंगे जिन्होंने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था, आपके सामने आ रहे होंगे। ऐसे ही बड़े बड़े कमेंट आप करते रहे एंड ये साथ में जरूर मैंशन करें कि कहाँ से बैठ कर हमारा व्लॉग देख रहे हैं। तो चले गाइस, ये तो हो गई बात कमेंट्स की, आप बुलाता हूँ शरीफ भाई को एंड वही हमें बताएंगे इस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो शरीफ भाई आइए, आपने नहीं आ रहे, कोई नहीं बताओ। तो गाइस ये अपने शरीफ भाई, कैसे शरीफ भाई? बड़े जना, बड़े भाई जी। तो गाइस आज के व्लॉग में शरीफ भाई आज हम दिखा रहे हैं भाइयों को इको। इको बताओ जरा इसके बारे में कुछ डिमांड बताओ पहले भाइयों को कि डिमांड कैसी इसकी आ रही है। डिमांड आखिरी में डिमांड बता देंगे तो भाई पूरी वीडियो देखेंगे ना फिर। जो डिमांड थी कि भाई अच्छा, वैसे डिमांड यार बात कर रहा हूं मेरे भाई, उसके लिए कमेंट्स में पढ़ सकता है ना लोग। बहुत बंदे फोन पे भी और मैसेज में हमें बोलते हैं कि भैया इको लेकर आओ। तो फिलहाल अभी हम एक गाड़ी लाए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इको और भी है। ये यूपी नंबर में है, हमारे पास दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, सब भाइयों का ख्याल है। व्हाइट कलर में भी है, सिल्वर में भी है, ग्रे में भी है, विद सी एन जी विदाउट सी एन जी दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है भाई, सो इसकी स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चले गए, चलते हैं शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो सारे भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके नंबर से। जी भाई, UP85AC1311। ओके, गाड़ी का नंबर है ये, यूपी नंबर में। अब बोनट खोल के दिखाते हैं जी। इंजन गिर गया कहीं भाई, ये इंजन का, ये इको का इंजन है भाई। इको का इंजन नीचे होता है गाड़ी के, ये बॉडी ऊपर खाली खाली था क्या लग रहा है। मैंने तो अभी कहा ना इंजन नीचे गिर गया। तो गाइस ये देखिए इसके एप्रॉन्स हैं गाड़ी के, ठीक है, एंड इसका बोनट है, कोई लगी भी नहीं, कोई भाई में इंजन नीचे ही है ना। हां, कहीं निकाल के रख लिया हो। नहीं, हमने इसमें ना साइकिल के पैडल लगवा रखे हैं, अंदर बैठे हैं, स्टीयरिंग से कंट्रोल होगा लेकिन साइकिल के पैडल से चला लेगा। अरे सर भाई सही में यार, सीरियसली लाइक और अगर देखने को मिलते इसके ऊपर इसका। अरे भाई एक काम करते हैं, पहले भाइयों को देते हैं वॉक अराउंड, फिर इसका देते हैं सारी डिटेल्स। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हमने पूरा कारका को वॉक अराउंड दे दिया, तो शरीफ भाई अब ये बताइए चले अंदर आइए। भारत में इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते नहीं है ना भाई? इसमें हमें बॉडी मिलती है, टायर मिलते हैं, इंजन नीचे मिलता है गाड़ी के। अच्छा, और हमने साथ में साइकिल के पैडल लगवा रखे हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो चले यार आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से इसका इंटीरियर। सो गाइस ये देखिए, ये जिसका आप देख रहे हैं इंटीरियर अंदर से, तो सारे भाई कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सोबर है ना भाई? सोबर इंटीरियर आता है बॉस, बस ये आपको एसी मिलता है इसमें एडिशन। ठीक है, आपका स्टीरियो इसमें लगा हुआ ही है। ठीक है, गाड़ी की चलने की बात अगर हम करें मोहित भाई, तो गाड़ी चली है 55,000 55,000। बाकी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर, ये देखिए स्टोरेज स्पेस आपका। ठीक है, एंड आप पीछे की सीट्स देखिए, प्लस ये सीट्स कवर लगा रखे भाई आपने, ये एडिशनल लगी हमें भाई। तो बस ये देखिए, ये आपकी इको की बैक सीट आ गई। तो शरीफ भाई अगर हम इसकी बात करते हैं इको में अराउंड कितनी सीटिंग कैपेसिटी हमें मिलती है? इको दो वर्जन आते हैं, एक 5 सीटर, एक 7 सीटर। ये हमारा 5 सीटर है, बट इसमें पीछे वाली सीट एडिशनल लगी हुई है। ओके, तो एडिशनल है इसमें, क्योंकि जो एसी आती है वो 5 सीटर होती है और जो नॉन एसी होती है वो 7 सीटर होती है। ओके जी। तो शरीफ भाई अगर हम इसमें स्पेस की बात करें, स्पेस में काफ़ी मिलता ही है ना भाई? जैसे बताया था भाई कि अपना एक मिडिल क्लास फैमिली और बड़ी फैमिली होती है तो उनके लिए ये गाड़ी सफिशिएंट होती है। यार स्पेस के आने में तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी मिलेगा। तो चले गए आपका बैक रो का भी स्पेस दिखा दिया, हम आपको दिखाते हैं लास्ट रो का स्पेस। तो आइए, तो चले गए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैक रो का स्पेस। तो गाइस ये देखिए, ठीक है। तो शरीफ भाई एक बार बताइए, आज जैसे इसमें सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड कितने पर्सन पीछे बैठ सकते हैं आराम से? भाई देखिए अगर पीछे पीछे की बात करो और बच्चे हों तो 4 बच्चे बैठा सकते हो। हाँ जी, बड़े हों तो 2 से 3 बंदे आराम से बैठ जाते हैं, है ना भाई जी। ओके, सो गैस आपने काफ़ी भाइयों ने डिमांड कर दी कि भाई इको गाड़ी लेके आओ, और ये बता दूँ गैस ये जो गाड़ी है आपके बजट में होगी गाड़ी है, क्यों सारे भाई? बिल्कुल भाई, मैं इसकी स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ आपको। 2011 मॉडल है, 55,000 चली है, पेट्रोल वर्जन है, सिंगल ऑनर है, यूपी रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की। ठीक है भाई, 5 सीटर है बट कन्वर्टेड टू 7 सीटर है, एसी है ये गाड़ी। ठीक है भाई, गाड़ी की भाई अगर डिमांड की बात करते हैं तो इस गाड़ी की डिमांड है सिर्फ मात्र और मात्र 2,20,000 रुपये। 2,20,000 उसमें भी नेगोशिएबल उसमें भी जी। ठीक है,
तो चले भाई एक बार बताइए, एट द टाइम मारुति सुजुकी इक्यू आ रही है या बंद हो चुकी है? नहीं बिल्कुल आ रही है बॉस, आ रही है आज भी है। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें एट द टाइम इसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है भाई? 5 सीटर एसी आती है भाई हमारी, 5-25 के आसपास। ठीक है, एंड 7 सीटर भाई? 7 सीटर आती है हमारी, वो विदाउट एसी होती है, वो आती है 490-480 के अप्रॉक्स। ओके ओके। एंड शरे भाई एक बार बताइए इसकी एवरेज क्या होगी? जैसे है कि ये भाई ये पेट्रोल में एवरेज आता है लोकल में 16-17 का, 16-17 का एवरेज देता है, आराम से आता है। ठीक है, एंड अगर हम उसमें बात करें हाईवे पे भाई, तो हाईवे पे भाई 20 और 20+ तक जाती है, लेकिन आप 20 ही मान के चलिए। ओके ओके। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमने आपको एक बजट गाड़ी दिखाई क्योंकि आप में से काफ़ी भाई बोल रहे थे। एंड शरीफ भाई मैंने काफ़ी लोग देखा है जो भाई है इसको लाइक अपना कैब में उसमें भी यूज़ करते हैं इस गाड़ी को, है ना भाई? बिल्कुल भाई, वो टैक्सी नंबर को यूज़ करते हैं, प्राइवेट नंबर को नहीं करते। हाँ जी, प्राइवेट नंबर ये को टैक्सी नंबर में भी बहुत चलती है। ठीक है, बट ये हमारे पास जो है आपका प्राइवेट नंबर। ओके, सो ये आपकी प्राइवेट नंबर गाड़ी है जी। ठीक है, तो चलिए गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। बस गैस एक लास्ट में एक बढ़िया शॉट आने वाला है, वो मिस मत जरूर करना, वो जो इन फ्यूचर वीडियो आने वाली है उसका शॉट है। क्यों शरे भाई? बिल्कुल। तो चलिए गैस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। We'll be right back.